भारतीय किसान यूनियन ने नेताओं पर देश में हुए धान घोटाले को लेकर तीसरी बार वेरिफिकेशन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार टाइम देकर उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जो पहली बार जांच में आया उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। हमें तो लगता है इसमें लीपा पोती हो रही है। वहीं कई जगह पीआर धान के साथ ब्रेक धान की भी वेरिफिकेशन की खबरें मिली हैं। और इसी को लेकर एक किसान ने खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एक बड़ा घोटाला है, इसकी ऐसी कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए जिसमें लोकल को पता भी ना हो। उनका कहना है कि जो जांच करने वाले हैं खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने ही इस घोटाले को जन्म दिया है। अगर वही जांच करेंगे तो यह कभी भी जांच नहीं हो पाएगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने न्याय जांच और सीबीआई की जांच की भी मांग की है। बार बार की जा रही है। देखिए, जो धान घोटाला हुआ है और इसकी सरकार द्वारा जो दो बार वेरिफिकेशन कराई गई है सेलर की, अब तीसरी बार वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। इसमें तीसरी बार करने में संदेह है। जब दो बार में वेरिफिकेशन सारे इन्होंने कर ली है और उसमें अंतर साबित भी हो चुका है खरीद में, तो उसमें इस पर सरकार ने कार्रवाई कर देनी चाहिए। अब ये समझ से परे की बात है कि तीसरी बार का औचित्य क्या है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो तीसरी बार ये वेरिफिकेशन कराई जा रही है, कहीं ना कहीं उनको टाइम दिया जा रहा है सुधरने का। और भाई दूसरे राज्यों से या उससे धान वो कर ले पूरा और इस पर डिप्पा पोती हो सके, तो मैं भारतीय किसान यूनियन इस जांच पे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और हमारा इस जाँच से भरोसा भी उठ चुका है और ये जाँच निष्पक्ष होने की उम्मीद भी नहीं है। कई जगह से मांग उठी, कई किसानों ने मांग उठाई है कि ऐसी कमेटी से जांच करानी चाहिए जिसकी मांग उठाई है कि जिन अधिकारियों ने जांच की है वो इसी से जुड़े हुए हैं। ये तो बात सही है, बिल्कुल है। जिन्होंने परचेज करी उन्हीं को जांच में लगा दिया, तो क्यों उसको मोटे तौर पे क्यों उजागर होने देंगे। और जो किसानों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर चाहे किसी भी तौर पर जो आवाज़ ये उठाई जा रही है, तो उस पर सरकार ने अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, और ताकि निष्पक्षता बनी रहे, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं कतई भी मानने को तैयार नहीं, जो इतना लंबे समय दे दिया और जांच करने का, दो बार तीसरी बार जो ये बात कही जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। और जो जांच हो, कमेटी बनानी चाहिए कोई जिसको किसी का पता ना हो, अलग से ऊपर से आए कोई, ये बात भी जायज साबित हो सकती है। अगर निष्पक्ष कमेटी कोई बनाई जाए और वो इन सब चीज़ों से परे हटकर जांच करे, तो मामला सामने आ सकता है और आ भी चुका है। अब तो उस मामले को कहीं ना कहीं दबाने के मुझे प्रयास लगते हैं। और निष्पक्ष कमेटी, ओपन जांच, और सीधी सी बात है, सीबीआई से जांच करा लो, न्यायिक जांच करा लो। हम भारतीय किसान तो इसके पक्षधर रही है हमेशा ही, उस तरफ सरकार जा ही नहीं रही है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।